बात करते हैं इसी वार्म अप गेम के बारे में, जहां से दो चीजें और निकलकर सामने आ रही थी। सबसे पहले तो बात यह है कि क्या संजू सैमसन बहाना है और असली जो निशाना है वो यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि वार्म अप मैच में हमने देखा कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन ओपन करने कौन आता है? टीम इंडिया के जो ओपनिंग जोड़ी है, रोहित शर्मा तो आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आते हुए नजर नहीं आते हैं, उनकी जगह आते हैं संजू सैमसन। जी हाँ, अब संजू सैमसन आते हैं, लेकिन 6 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो क्या रोहित शर्मा यहां पर किन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो ये कोशिश कर रहे थे कि विराट कोहली से ओपन कराना है और विराट कोहली वार्म अप गेम के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको वो स्लॉट सिर्फ फिल करना था, और जैसे ही आपने वो स्लॉट फिल करने की ओर सोचा तो आपने कहा कि हम किसी को भी यहां पर खिला सकते हैं, और संजू सैमसन को वहां पर आपने ओपन करा दिया, और नंबर 3 पे आपने ऋषभ पंत को खिला दिया, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, अर्धशतक भी लगाया और रिटायर्ड आउट हुए हैं। वो आउट नहीं हुए, रिटायर्ड आउट हुए, और कमाल के लय में ऋषभ पंत नजर आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि शायद यशस्वी जायसवाल का यहां पर पत्ता कट सकता है। विराट और रोहित अगर ओपन करते हैं और नंबर 3 पर अगर ऋषभ पंत खेलते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या यहां पर यशस्वी जायसवाल का पत्ता कट जाएगा? क्योंकि लगातार हम लोग बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, आईपीएल 2024 में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से उम्मीद की जाती है यशस्वी जायसवाल से, और संजू सैमसन ने भी लास्ट के जो आईपीएल फेज था, जो सेकेंड हाफ था, उसमें संजू सैमसन भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या टीम इंडिया प्लान बी की तरफ रुख करने वाली है? क्या रोहित के साथ विराट ओपन करेंगे, नंबर 3 पर पंत, 4 पर सूर्या खेलेंगे? ये जो सवाल है, शायद इनका जवाब रोहित शर्मा वार्म अप मैच से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। संजू सैमसन तो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तो बल्लेबाजी भी नहीं की, तो ये साफ तरीके से इशारा कर रही है कि शायद यहां पर रोहित के साथ विराट ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं।